In May 2013, Finca, a global microfinance leader, made one of the largest ever direct foreign investments into Pakistan's microfinance sector by becoming the majority shareholder in Kashf Microfinance Bank Limited. November 25th, 2013 marks the renaming of Kashf Microfinance Bank Limited as Finca Microfinance Bank Limited. Walk through the working class neighborhoods of Pakistan and you will see the economic engine of our nation. Individually, the roadside food stall or tailoring shop or rickshaw repair may hardly look like a major economic force. But collectively, Pakistan's informal economy is immense and unbanked. More than 80% of Pakistani citizens are without access to financial services. To bridge this gap, microfinance, safe, affordable and effective financial services specifically designed for low-income people targets the productive majority. बहुत सारे लोग समझते हैं कि माइक्रोफाइनेंस जो है ये खैराती काम है, मगर असल में माइक्रोफाइनेंस जो है ये गरीब लोगों को वही सहूलतें बैंकिंग की देने का नाम है जो अमीर लोगों के पास मौजूद हैं। जब यही बैंकिंग की सहूलतें गरीब लोगों को मिलना शुरू होती हैं तब वाकई उनके हालात बदलते हैं। मेरी बेटी एक साल की थी जब मेरे मियाँ ने मुझसे लत की कि वक्त के साथ साथ ऐसे हालात चेंज हुए कि मेरे पास कुछ भी नहीं था। कभी ऐसे वक्त आता था कि घर खाने के लिए नहीं पैसे होते थे तो आंसू आते थे, लेकिन दरवाजे के आगे जाके मैं पूछ लेती थी कि मेरे बच्चों पे असर ना पड़े, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही। फिर मैं इधर आई, मैंने एक बॉलर की जगह ढूंढी, ढूंढ के मैंने उस पर छोटा सा बॉलर शुरू किया। एक दिन दो लड़कियां आई कश्यप बैंक से, उन्होंने आके कहा कि आप ऐसा करें, कर्जा लेना चाहें तो आप इस बॉलर को बड़ा करें। वो कर्जा मुझे मिला, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतना बड़ा बॉलर बनाऊंगी। जैसे कि कहते हैं डूबने वाले को एक तिनके का सहारा होता है ना, तो वो एक कश्यप बैंक था। अगर वो मेरे साथ ना होते तो मैं इस मौके पर नहीं पहुँचती। हमारे इदारे से लोन लेना बहुत आसान है। हमारा लोन ऑफिसर खुद चल के कस्टमर के पास जाता है। चूंकि हमारे ज्यादातर कस्टमर्स अपनी फाइनेंशियल बुक्स मेंटेन नहीं करते, हमने अपने लोन ऑफिसर को खास तरबियत दी है कि वो उनकी फाइनेंशियल्स को अंडरस्टैंड कर सके। हम हर मरहले में कस्टमर की आसानी को अव्वलीन तरजीह देते हैं। वाले साहब जो फौत होए ने 15-16-17 साल की उम्र है सी साड़ी, उस तो बाद फिर घरेलू परेशानियां, खर्चे जात नहीं पूरे हुए, कारोबार करने लिए पैसे नहीं सी है। बैंक एक दो ना मशवरा किया, उन्हें प्रॉपर्टी के कागजात मंगने शुरू किए। साढ़े को प्रॉपर्टी कागज है ही नहीं सी, वो फिर कश्यप वाले ने ही राबता किया। इन्हें सानू वैसे ही शख्सी जमानत से सानू 40,000 रुपया दिता। उस 40,000 तो फिर इस दुकान का कारोबार शुरू कर लिया। कश्यप वाले की वजह न सुकून अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। साढ़ा इस वे कारोबार बहुत बेहतर जा रहा है। हमारे मुल्क में छोटे कारोबार जो हैं, जिसको हम स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कहते हैं, उनका हिस्सा 90% है। उसमें से 80% लोग जो हैं वो इन स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के साथ उनसे लेके हैं। इंडस्ट्री रिसर्च के मुताबिक हमारा एक कर्जा 3 लोगों को रोज़गार फराहम करता है। कर्जे नाल साढ़े काफ़ी हालात बेहतर हो गए हैं। मेरे हम जो दो मुलाजम रखे हुए हैं, एक मैं 10,000 रुपये महीना देना, एक मैं देना 4,000 रुपये महीना देना है। उन्होंने घर भी चलते हैं, कम ज़्यादा हो जाए अड्ड छट ज़्यादा, फिर एक दो बंदे और लै आने हैं। बेटियों शादी की बहुत फिक्र से, मैं दो बेटिया की उस बाद शादी की है, जिद मैं तकरीबन 8-9 लाख रुपया लाया। फिर मैं अपने हूँ बेटे की शादी कर रहा, बहुत खुशी हो रही है इस बात से। इंशाल्लाह काम अगे बढ़ावगा। होर आमदनी बढ़ने से बेशुमार फवायद हैं। एक घर के लेवल पे तो ये है कि जी खाने पीने का मेयार बुलंद हो जाता है। बच्चों की एजुकेशन के हवाले से बेशुमार फवायद हैं कि आप अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बिकॉज आपके पास आमदनी है आपके जी, आप अच्छे स्कूल में उनकी एजुकेशन करवा सकते हैं। घर के हालात ठीक नहीं थे इसलिए पढ़ाई छोड़ दी। कर्जा लेने से पहले मैं फारग था, मैं कहता था काम वो काम ही करना है बस, इसलिए पैसे नहीं मिलते जी, मजूस होकर घर आ जाते। ये यारों दोस्तों के पास बैठते थे, वहाँ पता लगा यार ये कश्यप बैंक कर्जा देती है। वाला सानू नाल लै गए, इन्होंने 4 दिन बाद सानू कॉल आ गई, असं आ रहे हैं जी थोड़े। इन्होंने हमें शाम को चेक दे दिया 30,000। जिंदगी काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई, यानी कि मैं पढ़िया नहीं, मैं हम मजीद अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। हम मेरी बच्ची पढ़ रही है प्राइवेट स्कूल में, अगर ये हमारे पास कारोबार ना होता तो मैं कहाँ से पढ़ा लेता इनसे। हमारे बैंक की कामयाबी का राज हमारे कस्टमर के साथ मजबूत ताल्लुकात हैं। जब हमारा कस्टमर मुतमईन होता है तो उसका असर पूरे माश पर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा मुल्क तरक्की करता है। मेरी कंपनी का काम है आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड कर। आपके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो कोई किसी एक जगह पे इकट्ठे मौजूद नहीं है। आपको सबसे बड़ा बेसिक प्रॉब्लम जो आता है वो आता है कि पेइंग सैलरी टू द सिक्योरिटी गार्ड्स।
जब कश्फ माइक्रो फाइनेंस बैंक हमारे साथ ऑन बोर्ड हुआ तो उस वक्त से हमारे एक्सपेंसेस के कम होने के अलावा गार्ड की रिटेनिंग है हमारे पास वो बढ़ गई। अब हम सिर्फ सैलरी डे के ऊपर अपनी गार्ड्स की लिस्ट देते हैं, वो पैसा जो ही ट्रांसफ़र होता है उसके अगले एक घंटे के अंदर उन तमाम गार्ड्स को आउट स्टेशन एंड लाहौर जहाँ जहाँ पे भी हैं उनके अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इससे पहले हमें किसी बैंक ने हमें इस किस्म का कोई सलूशन सजेस्ट नहीं किया। Part of Finca Microfinance Bank Limited's expansion strategy focuses on the rural and agricultural sector. At 45% of overall employment, agriculture dominates Pakistan's economy but remains underserved by the banking industry. Capitalizing the smallholder agriculture sector is a critical component of Pakistan's development. मेरे दिल की बहुत चाहत है कि डेयरी फार्म मेरा हो गए 100-125 मज हो गए मजा जो के पैसे नहीं थी जिन्हें को पैसे मेरे को लेके सी उन्हें को मैं अपना सर्वे सर छोटा पा लिया उन्होंने घर का चूल्हा थोड़ा चलाना शुरू किया साढ़े को तो बिल्कुल कोई शह नहीं सी। उस तो बाद पता लगा कश्यप बैंक का उन्होंने को असी कर्जा लिता कर्जा लैके असी थोड़े रैम को वड्डा किया थोड़ा अल्लाह ताला सुनी साढ़े इतों बचत कर गए अपनी एक मज लीती दो तीन इस तरह कर लगे हूँ 10 ने मज चल सा तीन मुलाजम उत्थे ने 3 मुलाजम मेरे को इतने लाल को बेहतर हो जा रहे हैं मेरे दिल की हसरत है डेयरी फार्म में अपना बड़ा करा तो कशन मिल गया इंशाल्लाह बड़ा करा। As a part of the Finca network, now spanning 22 countries, the Pakistan team today has access to the world-class expertise of a 10,000 strong global workforce. The bank is poised to grow bigger and stronger than ever to better serve clients like Rashid Ali and help make a difference to their lives. मेरी नज़र 96 में ओवर वर्किंग की वजह से गई है। अपने फैक्ट्रीज में काम करता था, अच्छी पे थी, सभी कुछ ठीक था। जब मेरी नज़र वीक होना शुरू हो गई तो उसके बाद घर में बैठ गई। 6 साल एक ज़िंदगी का छोटा सा हिस्सा है जो ऐसे बेकार गुजार दिया। हमारे पड़ोस में बुरश बनते थे तो मैंने थोड़ा थोड़ा काम शुरू किया। जब दोबारा काम पे गए तो कुछ रोशनी की किरणें नज़र आ रही थी कि अब कुछ ना मुस्तकबिल बनेगा। जब उन्होंने काम से निकाल दिया तो मैंने ये इरादा कर लिया कि मैंने ये काम अपना करना है। मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ थी इसलिए मैंने हिम्मत नहीं हारी। जब लोन मिला तो ऐसा लगा कि काम मेरा बढ़ जाएगा। अब मेरे पास 3 वर्कर हैं, मुकम्मल कम्प्लीट वर्कशॉप है। आज मेरा कारोबार कोटा से लेकर स्वात तक है। मुझे मुस्तकबिल अच्छा नज़र आ रहा है कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो उनके पास बिजनेस अपना होगा, घर अपना होगा, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं लोगों को यही मैसेज दूंगा कि कभी भी मायूस ना हो क्योंकि वो जो अल्लाह पाक की ज़ात है ना वो कभी किसी को भूखा नहीं सलाती मगर मेहनत करनी चाहिए हर हाल में करनी चाहिए। पाकिस्तान के वो करोड़ों लोग जो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं उनके हाथ में पाकिस्तान का मुस्तकबिल और हम उनके बैंकर हैं। उनकी कामयाबी में हमारी कामयाबी है और इसी में पाकिस्तान की कामयाबी है।